तो स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप जो है किस तरीके जो है इंटरेस्ट पैन कार्ड का जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ही अर्जेंट है, आपका पैन कार्ड अगर नहीं बना है, तो आप जो है इंटरेस्ट पैन कार्ड का जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे ही बिना किसी शुल्क के। और आपको जिस तरीके से आपका ओरिजिनल पैन कार्ड यूज होता है, आप उस तरह ही इसे यूज कर सकते हैं। अब इसका पूरा प्रोसेस जानने के लिए कि आप किस तरीके से इसे अप्लाई करेंगे, उसका स्टेप बाय स्टेप मैं अपने वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को जो है लास्ट तक बने रहें, तभी आपको समझ आएगा क्या करना क्या है। तो क्योंकि सारे वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आपको आना होगा इनकम टैक्स की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे, ई फिलिंग पे। इसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी आ सकते हैं। अब यहाँ पर देखना होगा आपको क्विक लिंक्स, तो नीचे देख रहे होंगे इंस्टेंट ई पेन, तो हमें जो इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखते हैं ई पेन आ गया है, गेट न्यू ई पेन देख रहे हैं आप यहाँ लिखा है, तो हमें गेट न्यू ई पेन पे। और यहाँ पर जो बताया गया है, ये जो ई पेन होती है पेपर लेस होती है, इस पर हमारे कोई पेपर या सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसकी वैल्यू जितनी आपकी उसके वैल्यू होती है उतनी ही इसकी वैल्यू होती है, समान वैल्यू होती है दोनों की। और आपका आधार कार्ड जो है इसमें, क्योंकि आधार कार्ड से ही आप जो अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका आधार कार्ड जो है पहले से इसमें लिंक हो जाता है, क्योंकि आधार कार्ड दे रखा है, तो बिना आधार के आपको बनेगा नहीं, इसीलिए आपका आधार कार्ड लिंक हो जाता है। तो यहाँ पर करना है हमें क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है अपना आधार नंबर डाल दें और चेक बॉक्स पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं, आपके एक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जो आपका आधार से लिंकड होगा। पहले इसको चेक बॉक्स क्लिक कंटिन्यू कर दें। आप देख सकते हैं अभी आपका OTP आया होगा, वो OTP जो है यहाँ पर डाल के आपके मोबाइल नंबर पर आया होगा, ये OTP डाल के और चेक बॉक्स पर क्लिक करके कंटिन्यू कर दें। अब कंटिन्यू करने के बाद देख सकते हैं आपकी जो आपकी जानकारी जो है ई KYC द्वारा यहाँ पर शो हो रही है। और आपका ईमेल जो अगर लिंक होगा तो दिखाएगा, अगर लिंक नहीं होगा तो दिखाएगा नॉट लिंकड। तो इसके साथ आपको लिंक करना है, तो आप इस पर जो है क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा ईमेल आईडी को भरने का, तो आप यहाँ से जो अपनी ईमेल आईडी डाल दें। भरने के बाद एक OTP आएगा और OTP को जो यहाँ पर डाल के सबमिट कर दें कंटिन्यू। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका वेरीफाई हो गया है, तो चेक बॉक्स पर क्लिक करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं योर रिक्वेस्ट ई पेन सक्सेसफुल। अब आपको जो है यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर मिलता है, नीचे आपको देखिए ऑप्शन मिलता है गो टू लॉगिन, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद इस पर आना है क्विक लिंक पर और इंस्टेंट ई पेन पर हमें जो है क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं चेक स्टेटस डाउनलोड पेन, तो आपको जो है यहाँ से स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। कंटिन्यू करके आप यहाँ पर अपना जो है आधार नंबर डालें और कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा, OTP डाल के यहाँ कंटिन्यू करें। अब आप देखिए यहाँ पेंडिंग दिखा रहा है, क्योंकि पेंडिंग यूँ दिखा रहा है क्योंकि हमने अभी अप्लाई करा है, तो कम से कम इसे रजिस्टर होने में 10 मिनट तो लगते हैं। तो आप जो है 10 मिनट रुकने के बाद आप से रीडाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमने बनाया है, अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ है, इसलिए आप 10 मिनट बाद देखेंगे तो इस तरीके से ये शो होगा, यानी कि आपका जो है बन चुका है। अब आप साइड में देख रहे होंगे आपको डाउनलोड ई पेन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर जो आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर डॉक्यूमेंट का पासवर्ड आपको डालना होगा, अब जैसे ही PDF में डाउनलोड होगा तो आपसे पासवर्ड मांगा। अगर आपकी जनवरी है 5 जनवरी 2021 आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो आपको 05/01/2001 डालना है, तो ये आपका हो जाएगा पासवर्ड। आपको जो इसी तरीके से पासवर्ड डालने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो आपको नजर आएगा। तो आपको डाउनलोड हो गया, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और हमारी ऐसी नॉलेज भरी वीडियो आपको जो मिलती रहे, इससे कि आपको हर चीज़ की जानकारी मिलती रहे।